ये देख सकते हो पाइप हमने लोडिंग कर ली है, जो कि भाई सुबह सुबह हम लोगों का गाड़ी वगैरह भाई पूरा लोड हो गया है। तो अचानक से भाई अल्टरनेटर से ऑयल गिरना चालू हो गया था। यहाँ से भाई देख सकते हो कि पैर पूरा नीचे रखा हुआ था, तो पड़ा तो भाई क्या कहते हैं दब गया। तो दबने के बाद में भाई उसका पैर ही कट गया पूरा। देख सकते हो दोस्तों बढ़िया तरीके से मटर फ्राई हो चुका है। तो अभी जाएगा दोस्तों इसमें टमाटर, एक कटोरी टमाटर हम लोगों ने काट कर रखा था। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तुम्हारे नए ब्लॉग में फिर से स्वागत करता है आप लोगों का अजय भाई। तो दोस्तों इस समय भाई अपन सारा गांव में आए थे लोडिंग करने के लिए। जैसे कि देख सकते हो पाइप हमने लोडिंग कर ली है, जो कि भाई सुबह सुबह हम लोगों का गाड़ी वगैरह भाई पूरा लोड हो गया है। तो ये दोस्तों हम लोगों का लोड हुआ है भाई चाईबासा साइड का, पूरा जगह का प्रॉपर नाम पता नहीं, अभी देख के बताएंगे आप लोगों को। बाकी झारखंड चाईबासा साइड का लोड है हम लोग का गाड़ी, और बाकी यहीं पर कंपनी सामने में, जो कि देख सकते हो यहीं से ही लोड हुई है हम लोग की गाड़ी। यही सामने जो कंपनी देख रहे हो इसी कंपनी से लोड हुई है। बाकी जो हाइट वगैरह है वो तो ठीक ही ठाक है, बस डाला जो कि है भाई डाला हम लोगों का खुल चुका है। तो ये देख सकते हो डाला हम लोग का दोस्तों खुल गया है, क्योंकि जो ये पाइप है ना, ये पाइप है भाई क्या कहते हैं 20 फीट का पाइप है, और हम लोग का गाड़ी भाई 19 फीट का। इसी की वजह से मेरा सेठ भाई इसको 22 फीट करवा रहा है, क्योंकि जो माल है भाई बाहर आ जाता है ना, प्रॉब्लम होती है गाड़ी में, मतलब RTO वगैरह सब ये सब ना रुकवाते हैं जगह जगह पर। तो बाकी अभी हाइट वगैरह तो ठीक ही ठाक है इसका। और बाकी दोस्तों चलते यहाँ से भाई, अब निकलते हैं। और आज जाम वगैरह लगेगा सुना था, लेकिन भाई जाम वगैरह कुछ नहीं है, जो कि देख सकते हो इधर रोड पूरा चहल पहल है, पूरा गाड़ियाँ चल रही है रोड पे। सुनने में आ रहा है कि भाई ये आपसी ले लिया गया है, जो ये कानून है आपसी ले लिया गया है। और बाकी देख सकते हो गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी चल रही है, ये देख सकते हो भाई पूरा। तो हम लोगों का अभी लोड हो चुका है भाई, अब रास्ते में देखते हैं जो होगा भाई देखा जाएगा, बाकी हम लोगों को तो चलना पड़ेगा ही। और बाकी ये कंपनी वाला एरिया है, देख सकते हो आप लोग इधर, ये कंपनी जो देख रहे हो सामने में ये है टैंकी फैक्ट्री कंपनी है, और ये वाला साइड में पाइप फैक्ट्री कंपनी है। इधर कुछ कॉम्प्लेक्स वगैरह बन रहा है मेरे ख्याल से, जो कि देख सकते हो इधर बगल में। बाकी दोस्तों नाश्ता वगैरह अभी हम लोग भाई करते हैं, ठीक है तो चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हो मैं सुबह सुबह लेके आ गया था भाई, हमारे तरफ तो इसको मिक्सर और मुर्रा बोलते हैं, आपके तरफ क्या बोलते हैं भाई कमेंट करके बताना, जो कि मिक्स करके बढ़िया भाई। और इसमें डालेंगे अभी प्याज और मिर्च, तो देख सकते हो दोस्तों प्याज बढ़िया काट के भाई मिक्स करके बढ़िया बनाते हैं इसको। तो बन के रेडी हो गया दोस्तों सिंपल अपना झाल मुड़ी। ये जो है दोस्तों ये हल्का नाश्ता है, दोस्तों अभी खरोरा आके भाई रुके हुए थे यहाँ पर भाई, अपने गाड़ी का थोड़ा सा काम हो गया, क्या कहते हैं अल्टरनेटर वगैरह का, तो उसको करवा रहे हैं यहाँ पर, ऑयल वगैरह टपक रहा है इसकी वजह से। अचानक से भाई अल्टरनेटर से ऑयल गिरना चालू हो गया था यहाँ से भाई देख सकते हो। बाकी अभी इसी को खुलवा रहे हैं और बन जाएगा, उसके बाद में फिर निकलते हैं यहाँ से। तो दोस्तों ये पूरा खुल चुका है भाई, और ये बेरिंग ख़राब हो गया था ये देख सकते हो, और एक आई सील बढ़िया होना, हम लोगों ने यहीं पे काम करवा लिया, नहीं तो रास्ते में फंस जाते। बाकी अब इसका फिटिंग होगा, उसके बाद में यहाँ से निकलते हैं हम। फाइनल दोस्तों गाड़ी का भाई काम हो गया, अल्टरनेटर फिट हो चुका है यहाँ पर देख सकते हो। अब बाकी स्टार्ट करके देखते हैं क्या है कैसा है। तो दोस्तों फाइनली हम लोगों का भाई गाड़ी का काम हो चुका है, अब यहाँ से भाई निकलते हैं और चलते हैं आगे में नहाते धोते हैं, क्योंकि भाई बहुत ही ज़्यादा गर्मी भी लग रहा है और प्लस भाई गंदे भी हो चुके हैं बहुत ही अच्छी तरीका से। अभी चलते हैं आगे में कहीं पे बढ़िया नहाते हैं।
अभी हम जहाँ पे काम करवा रहे थे वहीं पे बगल में सरकारी हॉस्पिटल था और वहाँ पे इतना ज्यादा भीड़ लगा हुआ था भाई, एक्सीडेंट हो गया था। और एक्सीडेंट हुआ था भाई एक ड्राइवर का, जैसे कि अभी ये गाड़ी सामने सामने गाड़ी जा रही है, तो गाड़ी जा रही है मतलब इस गाड़ी में तो छोटा गाड़ी है तो सामने का चीज हम लोग को दिख जा रहा है, और बाकी जो बड़ी गाड़ी होती है जैसे कि टेलर हो गया और भी बड़ी बड़ी जो गाड़ियां होती है उसके आगे में तो हम लोगों को नहीं दिखता है। अब वो अगला क्या किया, टेलर वाला ब्रेक मार दिया, और दोस्तों ब्रेक मारने का कारण उसका ये हो गया कि भाई आगे में गाय खड़ी थी कि बैठी हुई थी, तो अगले ने ब्रेक मारा और पीछे में जैसे हमारी जैसी गाड़ी है टाटा की गाड़ी थी उसकी, तो ब्रेक मारा और क्या कहते हैं ये जो सामने पीछे वाली जो गाड़ी थी वो जाके भाई घुस गई। तो घुसने के बाद में भाई ऐसा हादसा हुआ कि भाई क्या कहते हैं ड्राइवर को तो नहीं कटा, जो बगल में बैठा हुआ था कंडक्टर, और बाकी सुनने में आया कि जो चला रहा था वो तो मालिक ही था, लेकिन जो भाई ठोकाया तो भाई कंडक्टर साइड ज्यादा ठोका गया। तो क्या है ना, जो ये बैठने वाला सीट है, हम लोग का सीट देख सकते हो पूरा इसमें चिपका हुआ है, अभी चिपका हुआ है तो पैर नीचे रखते नहीं बनता है। और उनका क्या था भाई कि पैर पूरा नीचे रखा हुआ था, तो पड़ा तो भाई क्या कहते हैं दब गया, तो दबने के बाद में भाई उसका पैर ही कट गया पूरा, बहुत ही ज्यादा दर्दनाक टाइप का। भाई मैंने देखा क्या कहते हैं व्हील चेयर में मतलब बैठा के ले जा रहे थे गाड़ी के अंदर में, तो मैं देखा भाई अलग ही टाइप का, तो मैंने पूछा वहीं पे मिस्त्रियों से, तो ऐसा ऐसा बात है ऐसा बताया ये लोग। बाकी जो ड्राइवर था उसको कुछ नहीं हुआ, जो मालिक मोटर मालिक था उसको कुछ नहीं हुआ, थोड़ा बहुत चोट आया, और जो बगल में बैठा हुआ था उसका भाई पूरा पैर कट गया, अब तो गई उसकी जिंदगी झंड हो गई। तो इसी तरीके से भाई अगर जैसे कि छोटी गाड़ी है तो भाई छोटी गाड़ी है तो वो ठीक है, उसके पीछे पीछे धीरे धीरे चलो। बाकी क्या कहते हैं मैं तो यही सजेशन देना चाहूंगा भाई, ज्यादातर पीछे गाड़ी मत चलो, ऐसा देख सकते हो खाली है और धीरे धीरे चलो भाई अपना 40-45 का स्पीड में, ज्यादा स्पीड में चलने से कोई फायदा नहीं है दोस्तों, सिर्फ थोड़ी सी चूक है भाई और जिंदगी भर के लिए बेकार हो जाएगी भाई जिंदगी, है ना, ऐसा टाइप का। तो दोस्तों अभी भाई खरतोरा नाका से अंदर हम लोग घुसे हैं भाई, उसके बाद में बढ़िया सा तालाब मिला जो कि भाई देख सकते हो बहुत ही बढ़िया है, यहीं पे ही दोस्तों हम लोगों का भाई नहाना धोना होगा, उसके बाद में भाई यहाँ से निकलेंगे, तब आगे जाके भाई खाना पीना का व्यवस्था देखते हैं, और बाकी बर्तन वगैरह भी धोना है, बर्तन वगैरह पूरा पड़ा हुआ है, धो धा के फिर निकलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों शाम के करीबन बज चुके हैं भाई 5, और डीजल वगैरह हम लोगों ने डलवा के निकल चुके हैं भाई, आगे में खाना वगैरह बनाएंगे क्योंकि हमारे साथ एक और गाड़ी आने वाली है जो कि वो जाएगी भाई लोहरदगा, और अपन जा रहे हैं भाई चाईबासा, तो साथ में ही चलेंगे दोस्तों। और बाकी वो आ रहे हैं क्योंकि इसमें ऑयल वगैरह भी कम हो गया है, जो अल्टीनेटर खुला था उसके वजह से ऑयल भी बहुत ही ज़्यादा गिर गया, तो भाई ऑयल भी मंगवाए हैं 5 लीटर, तो ऑयल भी डाल के फिर उसके बाद में भाई निकलेंगे शाम को रात को आराम से। तो दोस्तों अभी रुके हम लोग खाना पीना बनाने के लिए भाई, यहाँ पर देख सकते हो बढ़िया सा जंगल टाइप का है, तो यहाँ पर रोक के भाई गाड़ी को खड़ा करके खाना पीना बना रहे हैं। तो अजीत भाई खाना में क्या बन रहा है आज? आज बनेगा भाई टमाटर और मटर की सब्जी। दोस्तों आज तो बनने वाला है भाई टमाटर और मटर को मिक्स करके भाई बढ़िया सा सब्जी, जो कि अभी चावल तो चढ़ा दिए हैं यहाँ पर देख सकते हो, बन रहा है बढ़िया, और यहाँ पर मटेरियल भी कट के रेडी हो चुका है, मटर है, प्याज, मिर्ची, लहसुन। तो दोस्तों अभी चावल वगैरह हम लोगों को बन के रेडी हो चुका है, और यहाँ पर देख सकते हो भाई कढ़ाई रख दिए हैं जो कि अब बनने वाला है इसमें दोस्तों सब्जी। तो ये चला दोस्तों जीरा, ये चला भाई मिर्ची, लहसुन, तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर प्याज वगैरह सब बढ़िया से लाल हो गया है, तभी जाएगा दोस्तों इसमें मटर भाई जो कि छील के रख लिए थे, ये देखो। इतना मटर डाल दिए दोस्तों इसमें, तो इसको अच्छी तरीके से भाई फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद इसमें टमाटर जाएगा, देख सकते हो दोस्तों बढ़िया तरीके से मटर फ्राई हो चुका है, तो अभी जाएगा दोस्तों इसमें टमाटर, एक कटोरी टमाटर हम लोगों ने काट के रखा था।
देख सकते हो दोस्तों सब मसाला इसमें हम डाल दिए हैं भाई अच्छी तरीके से। अब इसको मिक्स कर ले रहे हैं। उसके बाद में भाई अपना सब्जी बन के तैयार है भाई। टमाटर चटनी भी बोल सकते हो, सब्जी भी बोल सकते हो। तो ऑलमोस्ट दोस्तों हम लोग की भाई सब्जी जो है बन के तैयार हो चुकी है। तो भाई निकालते हैं खाना फिर खाते हैं भाई। तो दोस्तों हमारा खाना बन गया देख सकते हो यहाँ पे। और अभी भाई निकाल लेते हैं चावल फटाक से पहले। तो देख सकते हैं दोस्तों खाना हम लोग का भाई निकल चुका है गर्मा। चटनी दोस्तों हम लोगों की बहुत ही टेस्टी बनी है भाई आज की, टमाटर और मटर की भाई। इसी दिन में तो बनती है भाई टमाटर और मटर की चटनी ठंडियों के दिन में, क्योंकि टमाटर भी सस्ता हो जाता है मटर भी सस्ता हो जाता है। लेकिन मटर भी 40 रुपये किलो है और टमाटर 20 रुपया। तो दोस्तों खाना वाना खा के भाई हम लोग तो पहुंच गए थे भाई लवन। तो लवन आके भाई हम लोग यहीं पे रुके हुए हैं, आगे में ही हाईवे है। तो हाईवे से पहले पहले रुक गए हैं क्योंकि भाई जो गाड़ी रायपुर से आ रही है भाई उसका भी वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑयल वगैरह इसमें डालना पड़ेगा। ऑयल एक ही अंगूल है इसके वजह से। तो वहाँ पर रुके हुए हैं, आता है उसके बाद में भाई निकलेंगे नाइट में आराम से। मेरे ख्याल से वो पहुँचेगा भाई 10 बजे के आसपास, जब तक आराम वगैरह करते हैं फिर उसके बाद में भाई आता है। फिर उसके बाद में निकलेंगे आज नाइट का, आप लोगों को दिखाते हैं भाई कहां तक पहुंचते हैं क्या है सब चीज़, ठीक है। तो कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहो। तो दोस्तों रात के करीबन बज चुके हैं भाई 10, और भाई देख सकते हो इधर गाड़ी जो कि भाई आ चुकी है हम लोग की कंपनी की। तो ये वाली गाड़ी भाई खाना पीने तो खा लिए है, तो बाकी अपनी गाड़ी भी तैयार हो चुकी है निकलने के लिए। और देख सकते हो निकल चुकी है भाई वो वाली गाड़ी। तो हम लोग भी चलते हैं दोस्तों, निकलते हैं भाई और आज रात का भाई अपना सफ़र तय करते हैं, देखते हैं कहाँ तक चलती है दोस्तों गाड़ी। तो दोस्तों इस समय रात के करीबन बज चुके हैं भाई 12 बज चुके हैं दोस्तों, देख जो कि देख सकते हो भाई। और गाड़ी अभी चल रही है हम लोगों की। और दोस्तों अभी हम लोग भाई यहाँ से चलेंगे अभी खरसिया में जाके भाई आराम वगैरह करेंगे, ठीक है। और मैं अभी खा रहा हूँ भाई पान, इसको करो इग्नोर जो कि मीठा वाला है। मेरे को पता है आप लोग कमेंट करते हैं, उससे अच्छा मैं बता देता हूँ कि मैं जर्दा वगैरह तो खाता नहीं हूँ। तो नाइट का समय है भाई, पान मिल गया हम लोगों को, पान खाते खाते मस्त चल रहे हैं और नींद भी नहीं लगेगी ऐसे में। और अजीत भाई इधर चला रहे हैं, ठीक है। दोस्तों आज का ब्लॉग पसंद आएगा तो भाई लाइक कर देना एंड नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टाटा बाय बाय दोस्तों।